दोस्तों, अगर आप हार्दिक पांड्या को बेहतर खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए भारतीय टीम ने अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए एक इंटर स्क्वाड मुकाबला खेला। ऐसा मुकाबला आपने आज तक नहीं देखा होगा जिसमें दोनों ही टीमों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मुकाबला अंतिम गेंद तक गया। तो दोस्तों, आपको इस सांस रोक देने वाले मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में आपको इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत में से कौन है बेहतर खिलाड़ी? इस बात का जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे T20 मुकाबले की तैयारी में आपस में भारत और साउथ अफ्रीका ने एक अभ्यास मुकाबला, इसको इंटर स्क्वाड मुकाबला कहा गया, इसमें खेला, जिसमें भारत की कप्तानी ऋषभ पंत ने की तो वहीं साउथ अफ्रीका की कप्तानी टेम्बा बवुमा ने करी और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला साउथ अफ्रीका की टीम ने लिया, जिसमें बल्लेबाजी करने जब सबसे पहले भारत की टीम उतरी तो ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ने ओपनिंग की और दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बात करते हुए पावर प्ले में 65 रन बना दिए, जिसमें चौथे ओवर में तो दोनों ही बल्लेबाजों ने दो दो छक्के लगाए। तो वहीं इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने लगातार तेज तर्रार बल्लेबाजी की और अपने 100 रन की साझेदारी पूरी की, जिसमें 25 गेंदों पर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और 11वें ओवर में रबाड़ा ने वापसी करते हुए ईशान किशन को आउट कर दिया और यहां से मोमेंटम पूरी तरीके से बदल गया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा तो खाता भी नहीं खोल पाए और रबाड़ा के हाथों आउट हो गए और इसके बाद फिर बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और 13 ओवर में केशव महाराज के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या ने तेज तर्रार बल्लेबाजी करने में लगे हुए थे, 3 छक्के जड़कर 28 रन बनाकर 18 ओवर में एनरिक नॉर्जे के हाथों आउट हो गए और बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक ने 2 ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 28 रन बटोरे और अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर केएल राहुल ने शतक भी पूरा किया और भारत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 215 रनों का टारगेट रख दिया, जिसके बाद साउथ अफ्रीका की शुरुआत बहुत ही ज्यादा बेकार रही, जिसमें पहली गेंद पर उनका ओपनर आउट हो गया। लेकिन इसके बाद मार्करम और क्विंटन डिकॉक ने साझेदारी को संभाला और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में 55 रन और इसी हिसाब से शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय साझेदारी 12 ओवर में पूरी की और 16 ओवर में 150 रन बना दिए, जिसमें 4 ओवर में जीत के लिए अब 61 रन की आवश्यकता थी। युजवेंद्र चहल ने मार्करम को आउट कर दिया तो वहीं कप्तान को पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मिलर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और अब जीत के लिए अंतिम ओवर में 21 रन की आवश्यकता थी और अंतिम ओवर कराने के लिए ऋषभ पंत ने चौका देने वाला फैसला किया और कुलदीप यादव को गेंद दी, जिसमें पहली ही गेंद पर क्विंटन डिकॉक क्लीन बोल्ड हो गए। तो वहीं अगली गेंद पर सिंगल, तो वहीं 4 गेंदों पर 20 रन की आवश्यकता थी और लगातार 3 गेंदों पर मिलर ने लगातार 3 छक्के जड़ दिए और अंतिम गेंद पर जीत के लिए 2 रन की आवश्यकता थी और अंतिम गेंद पर डेविड मिलर ने छक्के की तरफ बॉल को भेजा, लेकिन बाउंड्री पर खड़े हार्दिक पांड्या ने उछलकर शानदार कैच पकड़ लिया और भारतीय टीम को 1 रन से जीत दिला दी। और इस मुकाबले को देखकर भारतीय टीम का स्टाफ मैनेजमेंट बड़ा खुश हुआ और दोस्तों, दूसरा मुकाबला जीतने की उम्मीद भारतीय टीम से करी। दोस्तों, आपको क्या लगता है T20 सीरीज में कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन बनाएगा? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।